ऑल राइट। सो हाँ जी, न्यूमेरिकल समझ आ गया था सबको? यस, ओके okay. 1.7 करना था टीचर अभी। हाँ जी, 1.7 हम कर रहे थे, जल्दी से उसको देखें। देयर आर 3.01 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मींस सबसे पहले अगर हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन गिवन डाटा, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप सब क्या कर सकते हो, यू कैन ओपन योर कॉपीज एंड इफ यू वांट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड यू कैन आल्सो डू इट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाउ मच, 3.01 × 10⁻³। देन प्रेजेंट इन अ कंटेनर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मास। वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, हमने इसके कैलकुलेट करने हैं, और मास। ऐसे ही है? Yes. 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 Now, what we are going to do? We are moving towards solution. Sorry. Solution. अब आप देखें, we have to find out number of moles as well mass. अब अगर हम number of moles find out करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसका क्या formula लगाएंगे? यहाँ पे हम कौन सी चीज use कर रहे हैं जो हमने कल study की थी, mole particle relationship. दो तरह की हमने चीजें पढ़ी थी, sorry. ब्रैकेट रॉन्ग आ गई, या मोल पार्टिकल रिलेशनशिप हम यूज करेंगे। हमने एक कौन सा पढ़ा था, मोल मास, एंड द अदर वन वाज मोल पार्टिकल। ठीक हो गया? नाउ अब हमने डिटरमिन करने हैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का अगर आप याद करें, या आपने याद किया हो, पहले से रिवाइज किया हो, तो आपके पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या है, एनीबडी नो? पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। यस, नोन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि आपको दिए हुई है, पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन ए विच इज एवोगाड्रोस नंबर। नाउ इफ यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू, व्हाट कम्स, नोन नंबर है 3.01 × 10⁻², व्हेन इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड, व्हाट हैपेंस, 0.01 × 10⁻², when it is going to be divided with Avogadro's number, which is, क्या है Avogadro number? 6.02 × 10⁻², it gives answer 0.5 mole, 0.5 mole. Now, एक चीज हमारे पास आ गई, number of moles. अब हमने mass calculate करना है, तो आपको याद होना चाहिए कि हमने थोड़ा सा shuffle किया था, उसी number of moles वाले एक formula हमने पढ़ा था, क्या था वो number of moles का formula? एक और है नंबर ऑफ मोल्स, मैम आप बताएं, सबसे इजी वाला, नंबर ऑफ मोल्स मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें, मास को हम दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर हमारे पास आएगा 0.5 × 44 इज द वेट आई थिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12, यस इट इज 44। सो वी विल गेट द आंसर विच इज 22 grams. Very necessary to see the units again and again, because mass is always converted in mass unit is always gram. So this is the answer. Clear? Yes. अब हम जल्दी से, if you have the notes, please open that. If you don't have, then open your rough copy, because right now you are going to do the test yourself, which is very important. और आज हमने इसको खत्म कर देना, इंशाल्लाह ताला. Test yourself 1.6. अगर जिनके पास नोट्स, किसी के पास भी, आई थिंक नोबडी हैज नोट्स, आपके फोटो कॉपी ओके सारा मेरे पास है, लेकिन मेरे पास इल्सा के हैं। टीचर मेरे पास स्टार्स के नोट्स हैं, मैं वो यूज कर सकती हूँ? बेटे इट्स बेटर कि आप स्कूल के ले लें, मैं आपको इस चीज का आंसर नेक्स्ट क्लास में दूंगी कि आपके पास कौन से वाले हैं, तो उसका आपने क्या करना है। फिलहाल चले, मैं आपको जो करवा रही हूँ, आई एम गोइंग फॉर पेज नंबर 20 एंड हेयर इज क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको सारे आंसर है। मैं अब इसमें आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, ठीक है? वी आर ऑन पेज नंबर 20, अब आपने रफ कॉपी लिख लेना, बिकॉज इफ द स्कूल्स आर, आई एम डूइंग इट फॉर योर ओन, क्या हो गया ये, राइट सो आप लोगों को ये दोबारा नहीं कराया जाएगा, इसलिए पेज नंबर 22, सॉरी इट्स पेज नंबर 20, टेस्ट योरसेल्फ
1.6 इसका है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4. एनीवन हैज एनी आइडिया दैट हाउ इट इज गोइंग टू बी डन. अब आपने ध्यान से देखना, अगर आपको नहीं समझ आ नहीं आपको इसका पता, ठीक है. वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. एनीवन हैज आइडिया हाउ इट इज गोइंग टू बी डन. We don't have any boy in our class, तो आप सारे अपनी वीडियो ऑन कर लें ताकि मुझे पता लगे आप क्या कर रहे हो, ठीक है. मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से 3 को. Let me see. Wait. So, अगर आपको कन्वीनियंट नहीं है वीडियो ऑन करना तो ना करें. हम करने लगे जी आपको दिया हुआ उन्होंने फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. ऑलराइट, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम. सबसे पहले हम इसका गिवन डेटा लिखेंगे. स्टार्ट राइटिंग गिवन डेटा. ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप पेपर उस पे भी करोगे इन योर रजिस्टर. नॉट नाउ, मैं आपको साइन कर दूंगी. यू हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, साथ साथ आंसर करते जाओ. 3 मोल. एंड देन हमने क्या फाइंड आउट करना है, वी वांट टू डिटरमिन द मास. ऑलराइट, नाउ ऑल ऑफ यू नो जब आपने मास की बात की है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू राइट डाउन द मोलेक्युलर मास एज वेल. मोलेक्युलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाउ मच इट इज, हाउ मच इट इज, 16 ग्राम पर मोल. नाउ ऑल ऑफ यू नो द सॉल्यूशन, वेरी सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे हम. Which is number of moles is equal to क्या है, known mass divided by molecular mass. Right, now if you want to determine this mass, आप mass को दूसरी तरफ ले जाओगे. मैं बार बार इसलिए ये step कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए. Otherwise, no need to write down number of moles and stuff like that. You can directly move on your answer and molecular mass. Simply put the value, which is 3. Multiply by molecular mass is 16 and the answer is 16 threes are 48 and answer is in grams. All right, this one was... Teacher, हमने तो इसको Avogadro number से नहीं करना था multiply. यही तो बात है, आपने इस चीज को understand करना है that how you are going to give the answer. Avogadro number हमने number of particles नहीं उमाना चाहिए. केमिस्ट्री को, बिकॉज आप खुद देखो, आपने जब पीछे से चीज एक क्लियर की होगी ना तो देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. आप बार बार मुझसे यही कह रहे हो कि हम इसे एवोगैड्रो नंबर से, मैंने आपको कल बार बार ये बात क्लियर की है कि आपने केयरफुली स्टेटमेंट को पढ़ना है दैट व्हाट इज देयर डिमांड, कि वो क्या कह रही हैं, एंड देन यू हैव टू पुट द फॉर्मूला, ठीक है. अब आप क्वेश्चन देखें ना, वो आपसे पूछे मास दिया हुआ है आपको, मास फाइंड आउट करना है एंड दे ओनली हैव गिवन यू नंबर ऑफ मोल्स. इसमें नंबर हम तब लगाएंगे जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए. लेट्स से क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन आर, तो फिर हम ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए ना 3, वी आर गोइंग टू सिंपली डिवाइड और मल्टीप्लाई जो भी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग था हम उसको करते, ठीक है. नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन विच इज number 5. How many molecules of water will be present in half mole of water? How many molecules? Isko erase kar dun first wale ko. Should yes. I erase it? Okay. Yes. Now we are doing number 5. It's question number 5. Question number 5. And here it is. That how many molecules of water, हमने molecules water के determine करने हैं in half mole of water. यानी अगर हम given data देखें तो हमारे पास given data में उन्होंने क्या दिया हुआ है, उमैमा क्या दिया हुआ है बताएं जरा इसको देख के. जी उमैमा, number of moles of water. उमैमा, यस, हाँ जी बताएं क्या दिया हुआ इन्होंने इसमें.
देखो हाउ मेनी कितने नंबर मॉलिक्यूल्स यस हाफ मोल हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन यू कैन राइट डाउन 1/2 व्हिच इज इक्वल टू 0.5 सो कितना मोल बस बात को उन्होंने जानबूझ के घुमाया हुआ है वी हैव 0.5 मोल ऑफ वाटर एंड दे वांट्स कि हमने मॉलिक्यूल्स अब यहां पे एवोगैड्रोस नंबर आएगा एंड वी ऑल नो एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻²³ दिस इज द एवोगैड्रोस नंबर अब हम क्या करेंगे वी हैव वी वांट टू डिटरमिन व्हाट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स देखें हमने जब किसी चीज में नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करनी है ना तो तब हमने क्या हो रहा है ये उल्टा सीधा ही ये लगाना है फॉर्मूला अब फॉर्मूला क्या आएगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ कौन बताएगा मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स multiply by yeah and when we put the value we will get 3.01 × 10⁻²³ this one is the answer clear matlab the most important thing is over here ke aapko aage saath aap likhoge molecules interpret karna aana chahiye data jab aap data se aap answer iska nikal lete ho na then it is very easy ke aapne aage क्या काम करना है मतलब आपका आधा मसला हल हो जाता है अब उन्होंने हाफ मोल लिखा हुआ देखने में लग रहा है कि पता नहीं इन्होंने हमें क्या चीज दे दी है बट इफ यू सी क्लियरली तो दैट्स नॉट सो मच डिफिकल्ट क्लियर नाउ मूविंग ऑन 1.7 टेस्ट योरसेल्फ 1.7 पेज नंबर इज 22 वी आर गोइंग टू डू नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 सर हमने 0.5 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया ना जी बिल्कुल मैंने सिर्फ एक स्टेप स्किप किया है उधर और वो यही था नाउ हरी अप लीव वी आर गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टेस्ट योरसेल्फ 1.7 इट इज वेरी केयरफुली देखें गिवन डेटा अब आप मेरे साथ-साथ उसको इंटरप्रेट खुद करें गिवन डेटा हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम कितने एटम सोडियम के हैं ऑलराइट How many atoms of sodium are present in 3 moles of sodium? आपके पास क्या है number of moles दिया हुआ है आप आराम से whatever you have लिख ले number of moles is equal to 3 and what is the mass of it? और हमने क्या determine करना है we want number of atoms of sodium ये हमने determine करना है और साथ में मास ऑफ सोडियम एज वेल ऑलराइट ये दोनों चीजें हमने फाइंड आउट करनी है अब सिंपल वेरी सिंपल व्हाट इज द सॉल्यूशन क्या होगा सॉल्यूशन हु इज गोइंग टू टेल मी हु इज गोइंग टू टेल मी नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर यस शाबाश अच्छा देखें मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ जहां पे भी मैस आ गया ना आप उसके बाद मोलर मैस खुद ही उसमें ऐड कर दें क्या है मोलर मैस ऑफ सोडियम व्हाट इज द मोलर मैस ऑफ सोडियम 23 क्या 23 ग्राम पर मोल राइट अब आप देखें आपके पास अगर हम नंबर ऑफ सबसे पहले हमने इसके दो पोर्शन है दो डिटर्मिनेशन हमने करनी है एक करनी है नंबर ऑफ एटम्स और एक हमने करनी है मैस अब अगर आप देखें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ एटम्स जहां पे हमने एवोगैड्रो नंबर को अप्लाई करना है इज इक्वल टू क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय आवर एवोगैड्रो नंबर ठीक हो गया अब इसी को अगर आप ये ऊपर वाली इसको ही कंटिन्यू करो तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं 3 व्हेन इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर मैं यहां एवोगैड्रो के बजाय एन ए लिख रही हूं What is the answer? Our answer is 1.806 × 10⁻²⁴ atoms. This is number of atoms. Remember one thing: when number of particles, number of atoms, number of molecules determination करनी है, तब हमने Avogadro number से deal करना है. Otherwise, we are not concerned with Avogadro's number when we are talking about how we are going to determine the number of moles.
ये एक डिटर्मिनेशन हो गई हमारी. अब दूसरा है द मास ऑफ सोडियम. नाउ मास ऑफ सोडियम नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. व्हाट इज आवर नॉन मास? डू वी हैव नॉन मास? नो, वी वांट टू डिटरमिन 32. या नो 23 था वो, मोलर मास था. मैं आपको बता रही हूँ कि मास ऑफ सोडियम के लिए हमने फॉर्मूला जो लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय, वेरी इजी बोले, मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 3. व्हेन इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद मोलर मास व्हिच इज 23, व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 69 grams. So it is the mass which is required for 3 moles of sodium. Clear? Yes. Umama, clear? Yes. Okay. That's good. I'm going to clear it. Now we are moving in the next one, which is question number 2. All right? Question number 2 of test yourself. Now, what is the data over here? Let's see. It is how many atoms? आपने ना statement देखकर कभी भी confused नहीं हो जाता ना, ये क्या है? आपको एकदम घुमा के रख देगी obviously, because it's very starting, but इतना भी starting नहीं है कि आप अभी इससे familiar ना हो. How many atoms? यानी number of atoms determine करने हैं. Are in 1 AMU and 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. अब आप देखें AMU किसका यूनिट है? एटॉमिक मास, मास यूनिट. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ऑल ऑफ यू नो AMU. अब जब आपको पता है एक एटॉमिक मास जो है वो जो चीज हाइड्रोजन का है वो 1 AMU के बराबर है, तो अगर हम मोलेक्युलर मास की बात करें तो हाउ मच इज इट? इट इज 1 ग्राम, हमें पता है ऑलरेडी. तो ऑलमोस्ट ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है. मोलर मास भी इसका 1 है और एटॉमिक मास भी इसका 1 है. व्हाट दे वांट, वो चाह क्या रहे हैं, हमने क्या फाइंड आउट करना है ये चीज देखकर, व्हाट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन वी हैव टू डिटरमिन इट. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट, लेट्स सी. ये दो चीजें हैं हमारे पास और हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. हम सबको इस चीज का पता है, यू कैन राइट डाउन एज वी नो या एज यू नो, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मोलेक्युलर मास ऑफ हाइड्रोजन सॉरी कैपिटल. सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम of hydrogen will be equal to, sorry, number of, क्या formula लगेगा, number of moles multiply by, because हम number determine कर रहे हैं, number of atoms and a. So if we are going to put the values, number of atoms is equal to, अब आप देखो number of moles हम किस तरह determine करेंगे इसके. नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे आपको चलो नंबर ऑफ मोल्स पहले करा देती हूँ. नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है? नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा ये. ऑलराइट, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स. क्या आएगा आंसर 1 डिवाइडेड बाय 1 का? 1. सो वी आर गोइंग टू पुट नंबर ऑफ मोल्स ओवर हियर व्हिच इज 1 एंड वी आर सिंपली गोइंग टू मल्टीप्लाई with Avogadro's number, which is 6.02 into 10 raised to the power 23. So the answer is definitely the same, 6.02 into 10 raised to the power 23 atoms. Clear? Yes. Obama, clear ho gaya bete? Yes. Kya ho gaya? Itni buri awaaz mein yes kaha hai mujhe tumne ladki. Then number 3. How many atoms are present in 16 gram of oxygen and 8 gram of sulfur? ये आप लोग खुद करें मेरे साथ. मैं जिससे कहूंगी, उमैमा चलो सबसे पहले गिवन डाटा लिखाओ इसका मुझे.
क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 जी, गिवन डाटा लिखवाएंगी। ऑक्सीजन का है 16 ग्राम। नहीं नहीं ऐसे नहीं, देखें दे आर सेइंग हाउ मेनी एटम्स। सबसे पहले हम लिखेंगे हमने क्या डिटरमिन करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया। अगला अब हमने इसका डाटा अब क्या पूछा हुआ है, आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम्स क्या किसका यूनिट है, ग्राम किसका यूनिट है, मास का बताओ, मास का। सो हम लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। आगे क्या लिखेंगे जल्दी से बताएं। 16 ग्राम्स पर मोल। उस मैंने बताया जहां पे भी आपका बेटे मास आ रहा है ना, दिया हुआ नोन मास, उसके साथ ही आप मोलेक्युलर मास लिख लो, बिकॉज वैसे मास आपको कभी भी नहीं आएगा, उसके पीछे एक रीजन होगी, आपने नंबर ऑफ मोल्स डिटरमिन करने होंगे। ठीक हो गया, दिस इज 16 ग्राम्स पर मोल और हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। आगे ही उन्होंने कहा है एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फर, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे मैम, जल्दी से आपसे पूछ रहे बेटे। मैम आपसे बात कर रही हूँ बेटा। नहीं समझ आ रही टीचर। कौन बताएगा टीचर, नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा जी देखें क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें सारे। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फर। आपसे वो दो बातें पूछ रहे हैं, दे हैव गिवन यू टू क्वांटिटीज, एक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, एक सल्फर की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हो मैंने लाइन ड्रॉ किया यहाँ, यू कैन सी फॉर दिस पर्पस। नाउ लुक, डाटा की हेडिंग वही रहेगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि आपको समझ आए, मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दे आर सेइंग 8 ग्राम ऑफ सल्फर। हमने फाइंड आउट क्या करना है, दोनों का नंबर ऑफ एटम्स। मैम ध्यान से सुनना बेटे, जहां समझ नहीं आएगी यू कैन आस्क मी। नंबर ऑफ एटम्स हमने ढूंढने हैं, दिया क्या हुआ इन्होंने हमें, मास ऑफ सल्फर। क्या है मास, कितना दिया हुआ है सल्फर का मास, 8 ग्राम। अब मास ऑफ सल्फर हमारे पास 8 ग्राम है। अब मैंने आपको बताया जहां पे उन्होंने आपको मास दिया हुआ ना, नॉन मास, उसके साथ आपने मोलर मास भी लिखना है, बताया मैंने। यस, मोलर मास कितना है सल्फर का, 32 ग्राम्स पर मोल। अब देखो इस एक सवाल उन्होंने हमसे ये पूछा है ऑक्सीजन वाला, एक उन्होंने हमसे ये सल्फर वाला पूछा है। ऑलराइट, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हमने इसका सोल्यूशन ढूंढना है ना, ये चीजें हैं। डाटा लिखने का पर्पस ये है कि हमें पता लग जाए कि हमारे पास है क्या क्या सोल्यूशन। अब आप देखें हमने इसमें नंबर ऑफ एटम्स ढूंढने हैं, हमें तो चाहिए इधर एवोगैड्रोस नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। यस नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं है, है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, नो 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 वी डोंट हैव। तो हम नंबर ऑफ मोल्स डिटरमिन करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, बाय मोलर मास। ठीक है, उमामा बोलेगी सिर्फ, अभी क्या लगाते हैं उमामा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या ये दो चीजें हमारे पास हैं, क्या ये दो चीजें हमारे पास हैं उमामा, चेक इट आउट। हमारे पास नॉन मास है, है क्या, क्या है नॉन मास हमारे पास, 16 डिवाइडेड बाय 16। ठीक हो गया, इसको 16 में क्या नॉन मास कितना दिया हुआ है ऊपर डाटा में, देखो ये देखो मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम और मोलर मास भी 16 है, 16 है ऑक्सीजन का मोलर मास मैम। यस, तो क्या हो गया, 1 मोल आंसर आ गया। यस, अब 1 मोल को एवोकाडो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यस यस, सो अब हमने इसका डिटरमिन क्या करना है, बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स। तो आप देखो हम इधर से, एक मिनट है, हम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ऊपर वाला क्लियर कर दूँ न्यूमेरिकल, ये बताएं। यस, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को डिटरमिन करने का फॉर्मूला हमारे पास वही है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया
एवोगैड्रो नंबर से, तो हमारे पास आंसर वही एवोगैड्रो नंबर वाला आ जाएगा जो कि है 6.02 इंटू 10 रेस टू द पावर कितना 23। ऐसे ही है। तो ये हमारे पास आगे एटम्स किसके आए, ऑफ ऑक्सीजन। अब सेम एक आंसर आ गया, हमने बता दिया कि भाई हमारे पास दिस वन इज द अमाउंट ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हम बात करेंगे सल्फर की, इधर आ जाती है। सल्फर के साथ भी हमने यही करना है, नंबर ऑफ एटम्स डिटरमिन करने हैं, बट हमारे पास मोल्स नहीं है जिसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, बट वी हैव मास एंड मोलर मास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमिन करेंगे। कैसे करेंगे उमैमा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आंसर बताएं मुझे जल्दी से क्या आएगा? 8 divided by 32, it is 1/4. 25, 0.25 mole. 1/4 नहीं कहेंगे, 0.25. All right, clear है उमैमा? Yes. ठीक है, अब हमने क्या number of atoms find out करने हैं, तो हमने ये number of moles को simply multiply किससे करना है? बताएं उमैमा? Avogadro number से। Avogadro number से। So we will get the answer, which is 1.505 into 10 raised to the power 23 atoms. So this is the answer of sulfur. अब मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है? I am 100% sure अगर आप इसको खुद से करेंगे दोबारा से right अभी class के फौरन बाद, तो आपको कोई मुश्किल नहीं रहेगी। ठीक है, देन उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर आर सेम, विल इट बी द सेम, विल इट बी द सेम क्लास 9? आपको कह रही है कि जो मास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का और 1 मोल ऑफ सल्फर का सेम होगा, अभी आपने ऊपर टेल मी नहीं, बिकॉज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना होगा, 16 ग्राम्स, और जो सल्फर है वो है 32 ग्राम्स, अभी हमने किया ये, तो इसलिए इनके वेट ही अलग हैं, सो दे आर नॉट गोइंग टू बी इक्वल। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन? लास्ट 10 मिनट्स हैं, जल्दी से एक न्यूमेरिकल और कराना है। 1 एटम ऑफ कार्बन मींस हैविंग एटॉमिक मास 12 amu, व्हाइल 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम मींस 1 मोल, जो कि हमने एक्सप्रेस करना है ग्राम में। ये चीज हम पीछे भी पढ़ चुके हैं बहुत मर्तबा। ठीक है, अगर आप नोट्स देखें तो उसमें ये सारे आंसर्स दिए हुए हैं। देन वी हैव last numerical of test yourself, 6, number 6. I am going to clear it. We are going to start. Ji beta. आप next वाला जो okay ठीक है समझ आ गया। मैं आपसे कहना था कि ये ऊपर लिख दीजिएगा ये, क्योंकि नजर नहीं आ रहा कि छोटी स्क्रीन है मोबाइल पे ले रही हूँ। Okay. Now we are going to do number 6. Question number 6. Let's have a look at the data. डेटा सेज, ध्यान से उमैमा सुनना सबने, बल्कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मींस हमारे पास हम लिखेंगे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स मतलब इक्वल है कितने, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के, यही बात लिखी हुई है उन्होंने। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। नाउ व्हाट दे वांट कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। एनीवन नोस कैसे करेंगे? एनीवन नोस? देखें जल्दी से, मैं आपको बता रही हूँ, क्लास खत्म होने वाली है। यहां तक समझ आ गया उन्होंने कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का जो है वो इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब आपको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का पता होना चाहिए, वो किसके बराबर है उमैमा? बताएं मुझे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यस, इट इज आवर एवोगैड्रो नंबर, राइट? 6.02 आप पूरा लिखेंगे, इट इज इक्वल टू दिस वन। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ये एवोगैड्रो नंबर की जो अमाउंट है हमारे पास 6.02 × 10⁻²³ atoms of oxygen, किसके इक्वल हो गए? ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 16 ग्राम्स,
सिर्फ हम वन मोल को रिप्लेस किया, आप देखें वन मोल को रिप्लेस करके वही बात हमने ऊपर लिख दी, चाहे वैसे ही लिख लें उसको चाहे इस तरह से लिख लें, समझ आ गया 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल हो गया। अब हमने वन एटम की निकालनी है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो जब हमने वन एटम की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मैथ इधर अप्लाई होगा, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कैसे, ये देखो ये 16 है, इसको 6 एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, 16 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो क्या आएगा हमारे पास 2.65 इनटू 10 रेज टू द पावर 20 माइनस 23 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे तो ये माइनस 23 ग्राम्स इसका आंसर आ जाएगा, समझ आया ये वाला स्टेप? Yes. समझ आया। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल इसकी देती हूँ, लेट्स से अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई है, मैंने आपको बताया है, लेट्स से मैं आपको बहुत इजी सी एग्जांपल देने लगी हूँ, लाइक इफ आई एम से आई हैव सेड टू यू के आपके पास यू हैव 5 पेंसिल्स, जैसे हम मैथ्स में करते हैं 5 पेंसिल्स हमारे पास कितने की हैं, 10 रुपीज की मैं कह रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ एक पेंसिल कितने की है, तो व्हाट विल यू डू, वन पेंसिल कितने की कॉस्ट करेगी आपको, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, आपने सिंपली 10 को 5 से डिवाइड कर देना, ठीक है 2 रुपए की पड़ेगी ये, तो हम एक जनरल बात पता ना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली हमने इधर किया क्या है, 10 को जब हम डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी 10 के नीचे सॉरी 5 से, वी विल गेट 2 रुपए, तो इट मीन्स वन पेंसिल इज ऑफ 2 रुपए, कैसे पता लगा, ये 10 इधर ही रहा, ये जितनी पेंसिल थी हमने उससे डिवाइड कर दिया, सेम इधर किया है, देखो 16 ग्राम के इक्वल है 16, हमने वन एटम फाइंड आउट करना है, वन एटम के लिए हमने क्या किया, ये वाली एवोगैड्रोस नंबर की जो है अमाउंट इसको उठा के हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक एटम ऑफ ऑक्सीजन की अमाउंट आ गई, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, क्लियर। अगला वाला क्वेश्चन, क्लियर हो मैम? यस टीचर। अलीना आपको क्लियर है बेटे, आई कांट सी यू सॉरी, मुझे नहीं मालूम था यू वॉज टेकिंग द क्लास, यस मैम, गुड। Okay, now next one is how many times is one mole of oxygen atom heavier than one mole of hydrogen atom? Simply weight wise, oxygen jo hai that is 16 and oxygen is 16 gram and hydrogen is 1 gram. So we can say one mole of oxygen atom is 16 times heavier than hydrogen atom. Why does 10 gram nitrogen gas contain the same number of molecules as 10 gram of carbon monoxide? They are saying you this one. आपसे कह रहे हैं the 10 gram of nitrogen N2 contains the same number is equal to nitrogen का weight होता है 14. 14 को जब हम multiply करेंगे 2 से, what does it make? 28 ग्राम्स। वो कह रही है ये इक्वल है, कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या वेट होगा, कार्बन इज 12 प्लस ऑक्सीजन इज 16, सो हाउ मच इट बिकम्स 28 ग्राम्स। तो जब आप देखें दोनों का वेट एक है और यहाँ पे अमाउंट भी एक है ग्राम्स की, तो ऑब्वियसली इनके दोनों का जो है वो सेम ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमें जरूरत ही नहीं है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का, वी विल से यस इट विल बी द सेम बिकॉज़ द मॉलिक्यूलर मैसेस आर सेम, क्लियर? यस यस। ओ मैम आप बताएं बेटे, इज इट क्लियर? यस टीचर। ओके वी हैव डन विद द चैप्टर नंबर 1, सारे का सारा कर चुके हैं, ये जो पेज नंबर 23 है इट्स this is just for the sake of you can say general knowledge ke liye, read it by yourself. In the next class we are going to do the exercise, and those students who don't have the notes please open the copies and school se usko purchase kar le, ya jinke paas jo hain I will let you know, because in the next class we are just going to wait we are just going to finish it and might possible we are going to start our next chapter. जी बेटा बताएं। टीचर हैव यू मार्क माय अटेंडेंस? यस हलीमा, टुडे इज अलीना, ईमान, हलीमा एंड उमैमा आर प्रेजेंट, दैट्स इट।
टीचर इसमें जो आपने 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में आपने वही किया ना जो हम पहले करते थे, जैसे सी का वेट लिया प्लस इसमें, हाँ जी हाँ जी वही वही किया मैंने उसमें, हमने उसको कहते हैं हमने मोलर मास फाइंड आउट किया, ठीक है। द क्लासेस क्लासेस